यार कमाल करते हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ Realme की तरफ से ही आपको स्मार्टफोन पसंद आते हैं। और भी अदर ब्रांड्स हैं जिनकी वजह से आपको यहाँ पर काफी सारे और स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं, टफ कंपटीशन हो जाता है और तगड़ी स्पेसिफिकेशन वाले फोन आपको मिल जाते हैं। वैसे अगर मन बदल गया हो तो 10,000 रुपए के अंदर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो उसको जाकर के जब से चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिलेंगे टॉप 5 फोन्स अलग अलग ब्रांड की तरफ से। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ठान ही लिया है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Realme का ही स्मार्टफोन लेना है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा यहाँ पर अच्छा स्मार्टफोन होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। वैसे आपको बता दूं कि इस लिस्ट में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं और तीनों स्मार्टफोन्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं उन यूजर्स की जो कि अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर आप अपने लिए एक सेकेंडरी डिवाइस परचेस करना चाहते हैं नॉर्मल फेसबुक व्हाट्सअप या वीडियोज वगैरह देखने के लिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं Realme की तरफ से आने वाला Realme का C20। शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से, तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G35 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। लेकिन आपको यहां पर डे टू डे यूजेस के लिए लगभग 1,10,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि आपको यहां पर डे टू डे यूजेस और नॉर्मल गेमिंग में यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ की IPS LCD डिस्प्ले का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो आउटडोर में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है और साथ ही आपको यहाँ पर कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। बात है गेमिंग की दोस्तों, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो सबके पास देखेंगे तो कंटेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में 8 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है, साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही पावर हाउस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आपको 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है, बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। सभी के अलावा बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, साथ ही आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन वाला फीचर भी दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर 3.5mm वाला खड्डा देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के Realme UI पर देखने को मिलता है। तो थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो अगर आप यहाँ पर Realme की तरफ से एक अच्छा सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं इस बजट के अंदर, तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग हमेशा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ये स्मार्टफोन आपको 7,500 रुपए की प्राइस पर मिलेगा तो कभी यही स्मार्टफोन आपको 8,000 रुपए तक की प्राइस पर भी मिल जाता है। तो आप इसकी प्राइस चेकआउट करके जरूर से स्मार्टफोन को ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट में अगले फोन की तरफ। तो भाई अब यहाँ पर जो अगला फोन है वो उन यूजर्स के लिए है जिनका बजट टाइट है, लेकिन जिन्हें यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, साथ ही जिन्हें यहाँ पर ठीक ठाक कैमरास वगैरह भी चाहिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं Realme की तरफ से आने वाला Realme का C21Y। शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस से, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर Unisoc T610 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 12nm फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 1,90,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं। आप यहां पर समझ सकते हैं दोस्तों कि आपको यहां पर गेमिंग परफॉर्मेंस कितनी अच्छी देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहां पर डे टू डे यूजेस में भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बात कर ले कैमरास की, तो यहां पर भी आपको बैक में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहां पर आपको कैमरा आउटपुट नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप यहां पर Realme के फैन हैं तो कैमरा आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। बात कर ले पावर हाउस की, तो 5000mAh की बैटरी के साथ में ये फोन आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और अच्छी बात है कि आपको यहां पर रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहां पर आपको चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल है वो भी आपको डिसेंट मिलने वाला है।
साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए दोस्तों तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड के साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन बैक में आपको यहाँ पर ग्रेडियंट फिनिशिंग देखने को मिलती है, तो लुक्स काफी अच्छे हो जाते हैं। साथ ही साथ रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर भी दिया गया है, और इसके अलावा 3.5mm वाला जैक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों स्मार्टफोन को एंड्रॉइड 10 के साथ में लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हमें बहुत जल्द एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिलने वाला है, तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होने वाला वो काफी अच्छा होने वाला। सो बेसिकली अगर आप यहां पर एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं इस बजट में, तो आप यहां पर इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। 3/32 के लिए आपको यहां पर देने होंगे 9,499 रुपए। वैसे अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर तीसरा स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है, क्योंकि दो स्मार्टफोन्स तो हमें यहाँ पर ठीक ठाक मिल गए। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो मेरी राय में आपको या तो बजट बढ़ाना चाहिए या फिर सेल्स वगैरह का वेट करना चाहिए। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन होने वाला ये है यहाँ पर Realme का Narzo 50A। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। साथ में ये स्मार्टफोन थोड़े से यूनिक डिजाइन के साथ में आता है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद भी आए और कुछ लोगों को यहाँ पर स्मार्टफोन का डिजाइन ना भी पसंद आए, तो वो तो दोस्तों अपना टेस्ट है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की, तो इस फोन के रियर में ही आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहां पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। साथ ही में 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं, तो ऑडियो आपको यहां पर डिसेंट मिलेगी। और हाँ दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही जल्द Realme के UI 3.0 पर अपडेट होने वाला है, तो आपको यहां पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा बेटर मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर फोन के कुछ बाकी फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस बजट के अंदर जितने भी हमें Realme के स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं सभी में हमें यहाँ पर HD प्लस की डिस्प्ले ही मिलेगी, तो इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD प्लस वाली IPS LCD पैनल का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा और 570 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है, तो डायरेक्ट सनलाइट में फोन इस्तेमाल करने में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। साथ ही में नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। देखा जाए तो यहाँ पर पिछले दोनों स्मार्टफोन के मुकाबले में इस फोन की जो डिस्प्ले है वो आपको बेटर क्वालिटी की मिल जाती है, तो डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती। और हाँ भाई अगर बात कर ले फोन के कैमरास के बारे में यार, तो फोन के बैक साइड में हमें यहाँ पर वैसा ही कैमरा सेटअप मिलने वाला है। मेन कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का, साथ ही में 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिल जाता है। सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है सेल्फी के लिए। तो कैमरा सेटअप में तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी में काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस फोन का जो आउटपुट है वो आपको पिछले दोनों स्मार्टफोन से काफी अच्छा मिल जाता है, तो पिक्चर क्वालिटी फोन की आपको अच्छी मिल जाती है। वहीं पर अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें तो यहाँ पर भी आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, और इसके अलावा बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 60fps तक का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। सो इस फोन का जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर ही देखने को मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर फोन है, तो बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G85 का चिपसेट। हालांकि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो डे टू डे यूजर्स के लिए आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। साथ ही में आप यहां पर डिसेंट टाइप की गेमिंग भी काफी आराम से कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर अंतुतु स्कोर की बात कर ले तो लगभग आपको यहां पर 2,10,000 के आसपास के स्कोर मिल जाएंगे, जो कि यार प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काफी अच्छे स्कोर हैं। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। और इन सभी की भूख को मिटाने के लिए यहाँ पर फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.25 दिन का बैकअप काफी आराम से दे देता है। अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं तो परफॉर्मेंस बैटरी की आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलने वाली है। साथ ही में 18W की चार्जिंग का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी, तो बैटरी मॉड्यूल इस फोन का आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। सो ओवरऑल देखेंगे तो अगर आप यहां पर एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हैं इस बजट में Realme की तरफ से, तो आप इस फोन को यहां पर जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इस स्मार्टफोन को अभी परचेस करना चाहेंगे तो आपको यहां पर 11,500 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर आप यहां पर सेल वगैरह का वेट कर लेते हैं तो ये स्मार्टफोन 10,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। या फिर अगर आप चाहें तो थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगा लें, आपको ये स्मार्टफोन लगभग 10,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। तो ये तो वो 3 स्मार्टफोन जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिल जाते हैं।
पहला था यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के लिए, दूसरा यहाँ पर मीडियम वाले लोगों के लिए था, और तीसरा था दोस्तों यहाँ पर गेमिंग वगैरह के लिए और एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए। सो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। साथ ही में आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।